हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी गोइंग टू अगेन ए केस ऑफ नोज डिफॉर्मिटी केस, यानी जो एक जो आज हम सर्जरी कर रहे हैं, दैट इज़ ए क्रोकड नोज, डेविएटेड नोज। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि कैसे एक जो है टेढ़े नोज को स्ट्रेट किया जाता है, बिकॉज एवरी वन वॉन्ट ए स्ट्रेट नोज। हर आदमी की इच्छा होती है कि उसका नोज स्ट्रेट हो। सो ये जो पेशेंट हैं, ये 20 ईयर ओल्ड एक मेल पेशेंट हैं। लुक दैट, अब अगर आप इनकी नोज़ को देखते हैं तो ये नोज़ में ऐसे बैंड है बेसिकली, एंड ये बैंड जो है मोस्टली जो है वो ट्रॉमा और चोट के कारण होता है। इनको क्या चोट की हिस्ट्री है जिसके कारण एक तरफ से ये नोज़ देखो आप बिल्कुल इनका बंद है, ब्रीदिंग नहीं होती है, दूसरी तरफ से सांस आता है। तो ये क्या है, जो ऐसे नोज़ हैं ये पूरा जो है नोज़ को ब्लॉकेज भी करते हैं, एंड कॉस्मेटिकली हमें जो है वो हमारा लुक भी फेस का अच्छा नहीं होता। सो जब एक बार नोज को स्ट्रेट करते हैं राइनोप्लास्टी से, आपसे मिलते हैं कैसे एक स्ट्रेट नोज को हमने ठीक किया। थैंक यू। सो दोस्तों, जस्ट हमने जो हमारा डेविएटेड नोज था, नोज का जो टेढ़ापन था, आफ्टर द 3 आवर्स की जर्नी के बाद इस नोज को हमने स्ट्रेट किया, बहुत सारा वर्क किया है, जो हमारा नोज ब्लॉकेज था उसको पेशेंट का करेक्ट किया, एंड जो कॉस्मेटिकली नोज जो एक तरफ जा रहा था उसको स्ट्रेट किया, और बहुत सारे इसमें ग्राफ स्टेप्स एंड हम आपको दिखाते हैं। अब उसका नोज जो पहले आपने देखा था, दिस इज़ द नोज, लुक दैट नाउ द नोज इज़ सो ब्यूटीफुल, नोज इज़ द स्ट्रेट, बिल्कुल नोज एक तरफ, पहले यूँ बैंड था नोज के अंदर एंड बिल्कुल स्ट्रेट नोज है अभी, पहले इस नोज के अंदर यूँ सी शेप बैंड था। सो दिस इज़ द क्रूकड नोज राइनोप्लास्टी, दिस इज़ द डेविएटेड नोज राइनोप्लास्टी। इसमें हमने जो जो एक ऑस्टियोटॉमी टेक्निक से इसको जो ये बोन जो थी इसको स्ट्रेट किया है, एंड पहले हम ऐसे देख रहे थे तो इसमें इधर की तरफ एक सेप्टम था, अब ये दोनों तरफ एयरवे जो है ब्रीदिंग के लिए ओपन हो गया। बहुत सारे लोगों को ये होता है कि सर्जरी के बाद मेरे को निशान आएगा, लुक दैट दोस्तों, इसमें हमने यहाँ से इस नोज को ओपन किया है, बट हाँ आफ्टर द 10 डेज हार्डली नो वन कैन आइडेंटिफाई, कोई ये पहचान नहीं सकता कि हमने इसको कहाँ से। अब हम इस पर एक छोटा प्लास्टर लगाएंगे एंड वो प्लास्टर 10 डेज तक रहेगा, आफ्टर द 10 डेज हम प्लास्टर हटा देंगे, उसके बाद पेशेंट वॉट एवर ही वॉन्ट वो अपने सब कुछ रूटीन काम कर सकता है। थैंक यू।